बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम अफजल उलमा अल अनामी अब्दुल काहिर इब्न अब्दुल रहमान अल जुरजानी मेअत व आमिल इस पर इजरा भी करेंगे और इसकी तरकीब भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो साबिका रूटीन के मुताबिक अफजल पर हम पहला सवाल ये करेंगे, ये मुफरद है या मुरक्कब? तो क्या है ये? मुफरद है। मुफरद किसे कहते हैं? जो एक ही लफ्ज़ और एक ही माना पर दलालत करे। जब कोई कलिमा मुफरद बन जाए फिर उस पर क्या सवाल होगा? ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? तो बताओ अफजालो इस्म है, फेल है या हर्फ है? इस्म है। अलामत इस्म में से कौन सी अलामत इसमें पाई जा रही है? ये मुजाफ है। कायदा मैंने आपको पढ़ा दिया है, मारिफा से पहले नाकिरा आ जाए तो नाकिरा मारिफा की तरफ मुजाफ होता है। मारिफा से पहले एक नाकिरा आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, वो क्या होते हैं? मारिफा की तरफ मुजाफ होते हैं। अफजल भी नाकिरा, उलमा भी नाकिरा, अल अनाम ये है मारिफा। मारिफा से पहले दो नाकिरे आ गए हैं, दोनों ही मारिफा की तरफ क्या हो गए हैं? मुजाफ हो गए हैं। तो अलामत इस्म में से कौन सी अलामत पाई जा रही है? ये मुजाफ है। जब कोई कालिमा इस्म बन जाए उस पर कितने सवाल होते हैं? नौ सवाल होते हैं। अब पहला सवाल क्या होगा? मोरब है या बताओ अफजल जो है ये मोरब है या मबनी? जी बताइए, मोरब है या मबनी? मोरब है। क्या है ये? ज़ाहिर है मबनी हो नहीं सकता, मबनी बनाओगे तो मबनी उल असल बन नहीं सकता, क्योंकि इसम मबनी उल असल नहीं हो सकता। अगर मबनी गैर उल असल बनाएंगे तो फिर आठ किस्मों में से कौन सी किस्म बनाओगे? उनमें से ये कोई किस्म बनेगी नहीं, तो पता चला ये क्या है? मोरब है। फिर सवाल होगा ये मारिफा है या नाकिरा? तो मुझे बताओ अफजल उलमा अल अनामी में अफजल मारिफा है या नाकिरा? मारिफा है। ये क्या है? मारिफा की सात किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? सातवीं किस्म। शाबाश। सातवीं किस्म कौन सी है? वो इस्म जो मुजाफ होने वाला है, वो इस्म मारिफा बानी दा के अलावा बकिया पांच असमा में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो इजाफत मानविया वाला। तो मारिफा की सात किस्मों में से सातवीं किस्म मारिफा बानी दा के अलावा वो इस्म बकिया पांच असमा में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो इजाफत मानविया वाला। तो अफजल जो है ये मुजाफ है उलमा की तरफ, उलमा ये मुजाफ है अल अनाम की तरफ, ठीक है। और इजाफत कौन सी है? इजाफत मानविया है। इसने क्या कर दिया? अफजल को मारिफा बना दिया। इजाफत मानविया क्या फ़ायदा देती है? तख़फीफ का, तख़सीस का और तारीफ का। इजाफत मानविया तारीफ़ मुजाफ का फ़ायदा उस वक्त देती है जब मुजाफ इला मारिफा हो, जब मुजाफ इला तो इधर मुजाफ इला कौन है? उलमा। हालांकि उलमा भी नाकिरा है, तो उलमा की जब इजाफत हुई अल अनाम की तरफ तो उलमा भी मारिफा हो गया, तो अफजल की इजाफत उलमा की तरफ हुई तो ये भी मारिफा हो गया। तो ये मारिफा है या नाकिरा? मारिफा। फिर सवाल होगा ये मुजक्कर है या मुअन्नस? अफजल मुजक्कर है, मुअन्नस मुजक्कर है। अलामात तानीस जो इसम में इस्तेमाल होती हैं वो चार हैं, उन चार में से कोई भी अलामत इसमें नहीं पाई जा रही, पता चला ये मुजक्कर है। फिर सवाल होगा ये वाहिदा तस्निया है या जमा? तो बताओ ये वाहिदा तस्निया या जमा? वाहिदा, क्योंकि तस्निया या जमा की अलामत में से कोई अलामत अफजल के अंदर नहीं पाई जा रही, पता चल गया ये वाहिदा। फिर क्या सवाल होगा? ये आमिल है या नहीं? ये आमिल है या नहीं? तो बताओ अफजल जो है ये इसमें तफजील का सीगा है, कौन सा सीगा? और आपने पढ़ा इसमें तफजील भी अमल करता है, इसमें जाहिर में अमल नहीं करता, इसमें ज़मीर में अमल करता है। तो ये ज़मीर में अमल कर रहा हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, उसमें ये अमल कर रहा है। फिर क्या सवाल होगा? ये मामूल है या ताबे? मामूल है या ताबे? तो मुझे बताओ अफजल मामूल है या ताबे?
इससे पहले कोई आमिल मौजूद है अफजल से पहले? जब इससे पहले कोई आमिल ही नहीं है, इससे पहले तो अल इमाम मौजूद है, ये आमिल तो है नहीं। इससे पहले ना आमिल लफ्जी है ना आमिल मानवी है, तो हमें पता चल गया ये मामूल नहीं, ये ताबे है। मामूल तब होता जब इससे पहले कोई आमिल लफ्जी मौजूद होता, आमिल लफ्जी या आमिल मानवी इससे पहले मौजूद नहीं, पता चल गया ये मामूल नहीं, ये ताबे है। फिर क्या सवाल होगा, कौन सी किस्म है, इसकी हालत कौन सी है, इसकी हालत कौन सी है? तो हालत देखने के लिए क्या करते हैं, पहले आमिल देखते हैं, जैसा आमिल होता है वैसी हालत होती है। तो आमिल की कितनी किस्में पड़ी हैं, दो, आमिल लफ्जी आमिल मानवी। तो अफजल से पहले आमिल लफ्जी मौजूद है, आमिल मानवी मौजूद है, तो जब आमिल लफ्जी भी ना हो आमिल मानवी भी ना हो तो फिर किधर जाते हैं, फिर तवाबे का रुख करते हैं, फिर तवाबे की तरफ चले जाते हैं, तवाबे में तलाश करते हैं, फिर तवाबे की पांच किस्मों में से कोई एक किस्म बनती है। तो अब हम चलते हैं तवाबे की तरफ। तो तरीकेकार क्या था, हमने जिसको मतबू बनाया है, हमने जिसको मतबू बनाया है उसको और माँ बाद इस्म को मिला लें, माँ बाद इस्म को अशेख जो है ये है मौसूफ, ये क्या है मौसूफ। आगे अफजल जो है ये इसका ताबे, अल इमाम पर तो बात हो चुकी है, हो चुकी है, अल इमाम जो है ये भी अशेख का ताबे है। आगे आ गया अफजल, ये भी अशेख का, दोनों को मिला लें, दोनों को मिलाकर देखें भाई दरमियान में हरफ अतफ है नहीं है, जब दरमियान में हरफ अतफ ही नहीं तो मातूफ है, और मातूफ वाली तरकीब हो सकती है नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा इसम जो है अफजल और अशेख भी आईनी एक जैसे हैं नहीं हैं, तो मुअक्कद और ताकीद लफ्जी बन सकते हैं नहीं बन सकते। अच्छा ये बताइए, अफजल और अशेख जो, अफजल जो है ये नफ्सुन ऐन उन किला किलता वगैरह में से है नहीं है, तो फिर मुअक्कद और ताकीद मानवी भी नहीं बन सकते। अच्छा आप बताइए, अफजल जो है ये सीगा सिफत है या नहीं, ये सीगा सिफत है। तो अब तरकीब क्या करेंगे, पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत बनाएंगे, और सिफत वो ताबे है जो मतबू या मतबू के मुतालिक में पाए जाने वाले माना पर दलालत करे, अगर मतबू में पाए जाने वाले माना पर दलालत करे तो उस सिफत को सिफत बेहाले ही कहते हैं, और अगर मतबू में नहीं बल्कि मतबू के मुतालिक में पाए जाने वाले माना पर दलालत करे तो उसको सिफत बेहाल मुतालिक ही कहते हैं। अब हमने तलाश करना है अफजल जो है ये इन दो किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी। तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है कि जिसको हमने सिफत बनाया है उसको देखेंगे वो सीगा सिफत है या नहीं, नहीं। अगर सीगा सिफत नहीं तो सिफत बेहाले ही, अगर सीगा सिफत है तो फिर देखेंगे उसका फ़ाइल ज़ाहिर है या नहीं, तो बताओ इसका फ़ाइल ज़ाहिर है नहीं है, अगर फ़ाइल ज़ाहिर ना हो तो फिर भी सिफत बेहाले ही होती है, फिर भी सिफत सिफत बेहाले मुतालिक ही जो है पता ये चला वो सीगा सिफत होती है और उसका फ़ाइल ज़ाहिर होता है, उसका फ़ाइल। तो ये कौन सी सिफत बनेगी, सिफत बेहाले ही, सिफत बेहाले ही अपने मतबू के कितनी चीज़ों में मुताबिक होती है, दस चीज़ों में, तारीफ़ो तनकीर तस्कीरो तानीस वाहिद तस्निया जमा रफा नसब जार, इन दस में से बयक वक्त चार का पाया जाना ज़रूरी है, तारीफ़ो तनकीर में से एक, तस्कीरो तानीस में से एक, रफा नसब जार में से एक, वाहिद तस्निया जमा में से एक। अब हमने इसकी मुताबकत भी पूरी करनी है, अशेख को देखो भाई ये भी मारफा है, अफजल ये भी मारफा है, अफजल ये कैसे मारफा हुआ, ये इजाफत की वजह से मारफा हुआ, अशेख कैसे मारफा है, वो मुर्रब इल्लाम है, शुरू में अलिफ लाम है, तो तारीफ़ और तनकीर में से दोनों मारफा, अशेख भी मुजक्कर है, अफजल भी मुजक्कर है, तज़कीर व तानीस में से दोनों मुजक्कर हैं, अशेख भी वाहिद है, अफजल भी वाहिद है, तो वाहिद तस्निया जमा में से दोनों वाहिद है, अशेख की हालत भी रफ़ई है, अफजल की हालत भी, तो रफा नसब जर में से दोनों क्या है मरफू है, चारों तरह से मुताबकत जो है इसके अंदर पूरी हो गई है। फिर इस पर सवाल होगा भाई इसको पढ़ेंगे कैसे, यानी इसकी हालत रफ़ी है तो रफ़ा कैसे आएगा, हालत नस्बी है तो नस्ब कैसे आएगा, किस तरह पढ़ेंगे, हालत जर्री है तो जर कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मुतमक्किन की जो वजूह एराब के लिहाज से 16 किस्में पड़ी हैं उनमें तलाश करेंगे, जौन सी किस्म उनमें से बनेगी उसी किस्म वाला एराब आएगा। तो बताओ 16 किस्मों में से कौन सी किस्म वाला एराब आएगा, पहली किस्म वाला शाबाश, पहली किस्म कौन सी है, मुफ़रद मुनसरिफ सही, अफजल जो है ये मुफ़रद भी है मुनसरिफ भी है और सही भी है, क्या है मुनसरिफ भी है और, हालांकि अफजल जो है ये
बनता गैर मुनसरफ ही है। क्या है? इसके अंदर दो सबब पाए जा रहे हैं, वस्फ भी है और वजन फेल भी है, लेकिन मैंने आपको बताया है गैर मुनसरफ की जब इजाफत हो जाए, गैर मुनसरफ की जब या उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो गैर मुनसरफ मुनसरफ बन जाता है। तो ये मुनसरफ के हुक्म में हो गया। तो पहली किस्म का इराब फिर किस तरह आएगा? लफ्जी के साथ, नसब फतहा लफ्जी के साथ और जर कसरा लफ्जी के साथ। अफजल की हालत हो गई रफ़ई, तो रफा किस तरह आया है? रफा लम्मा लफ्जी के साथ। पहली तीनों किस्मों का इराब लफ्जी आता है। क्या आता है? इराब लफ्जी किसे कहते हैं? जो लफ्जों में जाहिर हो। फिर सवाल होगा, नौवां सवाल इसम पर, कि इस पर तनवीन पढ़ेंगे या नहीं। तो बताओ अफजल पर तनवीन आएगी या नहीं? नहीं, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मुजाफ हो रहा है और मुजाफ पर तनवीन पांच अस्मा है जिन पर तनवीन नहीं आती, उनमें से एक मुजाफ है। आगे क्या कालिमा आ गया? उलामा। क्या आ गया? यानी वही बहस होगी। उलामा मुफरद है मुरक्कब? मुफरद। इसमें फेल है अरफ इसम। अलामत इसम में से कौन सी अलामत है? मुजाफ भी है और ये जमा भी है। आपने पढ़ा ना, दो अलामतें पाई जा रही हैं, मुजाफ भी है और जमा भी है। फिर क्या सवाल होगा? ये मोरब है या मबनी? बताओ उलामा मोरब है मबनी? मोरब। मोरब किसे कहते हैं? जिसका आखिर आमिर के बदलने से बदल जाए उसे मोरब कहते हैं। फिर क्या सवाल होगा? ये मारफा या नाकिरा? उलामा मारफा या नाकिरा? मारफा की सात अक्साम में से ये सातवीं किस्म है। मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर है। वाहिदा तस्निया जमा? वाहिदा, क्योंकि तस्निया जमा की अलामत नहीं पाई जा रही। फिर क्या सवाल होगा? आमिल है या नहीं? फिर क्या सवाल होगा? मामूल है या ताबे? तो बताओ ये मामूल है या ताबे? ताबे है। क्या है? ताबे भाई ये नहीं बनेगा। कौन सी किस्म बनाओगे ताबे की? मामूल है या ताबे से पहले अफजल उलामा नाम अफजल जो है ये क्या है? मुजाफ हो रहा है कि नहीं? तो मुझे बताओ उलामा फिर मामूल है या ताबे है? मामूल है। इससे पहले जो इसका आमिल मौजूद है अफजल जो है ये मुजाफ हो रहा है, इसको ताबे नहीं बनाएंगे। इससे पहले तो आमिल मौजूद है, मामूल है या ताबे? मामूल है। अच्छा फिर क्या सवाल होगा? इसकी हालत कौन सी है? वैसे पीछे तफसील इजरा कर लेना चाहिए। वाहिदा तस्निया जमा, ये जमा तो है ना उलामा। सीगा जमा मुजक्कर मुकसर इसमें फ़ाइल है। सीगा जमा मुजक्कर मुकसर इसमें फ़ाइल है। जमा है तो फिर जमा की कितनी किस्में हैं? दो। जमा सालिम जमा मुकसर, ये जमा सालिम है जमा मुकसर है, ये जमा मुकसर है। जमा मुकसर की फिर कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन सी? जमा मुकसर मुनसरफ, जमा मुकसर गैर मुनसरफ। ये कौन सी जमा है? ये जमा मुकसर मुनसरफ है, क्योंकि जमा मुकसर गैर मुनसरफ की मैंने आपको आसान पहचान बताई है। पहले दोनों हरफों पर फतह होता है, तीसरी जगह अलिफ होता है, आखिर में तनवीन वगैरह नहीं होती। तो चलिए बारह आगे। ये मामूल है या ताबे? मामूल है। इसका आमिल से पहले मौजूद है। फिर सवाल हो गया इसकी हालत कौन सी है? इसकी हालत कौन सी? बताओ इसकी हालत देखने के लिए क्या करेंगे? इससे पहले आमिल देखेंगे, जैसा आमिल होगा वैसी हालत होगी। आमिल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। आमिल लफ्जी, आमिल मानवी। मुझे बताओ उलामा का आमिल लफ्जी, आमिल मानवी? आमिल लफ्जी। आमिल लफ्जी की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। कौन कौन सी? आमिला अस्माए आमिला। मुझे बताओ उलामा का आमिल हुरूफ आमिला में से है या अफआले आमिला में से है या अस्माए आमिला में से? अस्माए आमिला में से है। अस्माए आमिला की कुल कितनी किस्में पड़ी हैं? 11 किस्में पड़ी हैं। 11 किस्मों में से कौन सा है? मुजाफ है। मुजाफ क्या अमल करता है? अपने मुजाफ इलाह को जर देता है। तो उलामा की हालत कौन सी होगी? जल्दी हालत क्यों है? ये मुजाफ है, इसका मुजाफ कौन है? अफजल मुजाफ है। अफजल की कौन सी हालत है? रफी हालत क्यों है? ये अशाह की सिफत है। अशाह की मौसूफ और सिफत दोनों का इराब एक होता है। अशाह की कौन सी हालत है? इसकी रफी हालत क्यों है? ये अल्लाफा का फाइल है। ये अल्लाफा का फाइल है। आगे चलें जी। अल अनाम वही बहस है जो हमने उलामा पर की है, उसी तरह अल अनाम पर बहस हो जाएगी। अच्छा उलामा का ये उलामा जो है 16 किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? तीसरी किस्म। शाबाश। तीसरी किस्म कौन सी है? जमा मुकसर मुनसरिफ। जमा मुकसर मुनसरिफ जी। पहली दूसरी तीसरी किस्म का इराब लफ्जी आता है, तकदीरी लफ्जी आता है, इराब बिल हरकत आता है, इराब बिल हरकत, इराब बिल हरकत आता है। पहली दूसरी तीसरी किस्म का इराब किस तरह आता है? रफा जम्मा लफ्जी के साथ, नसब फतहा लफ्जी के साथ और जर कसरा लफ्जी के साथ आता है। चले आगे। अशेखुल इमाम अफजालू उलमा इल अनामी। आगे चले भी अब्दुल काहिर की तरफ जी। लफ्ज अबद
क्या? आबद। आबद मुफरद है मुरक्कब, की बात होगी सारी की सारी मुफरद है। फिर जी इसम फेल हर्फ में से क्या है? ये इसम है। क्या अलामत है जी? आगे मुजाफ हो रहा है। मैंने कायदा आपको बता दिया, मारिफा से पहले नाकिरा आ जाए, नाकिरा मारिफा की तरफ। आबद जो है ये नाकिरा, अलकाहिर जो है ये मारिफा, मारिफा के साथ किस्मों में से है ना मुअर्रब लाम, तो ये मुअर्रब लाम है। मारिफा से पहले नाकिरा आ गया, नाकिरा मारिफा की तरफ मुजाफ हो गया, तो अब्दुल काहिर में लफ्ज अब्द जो आगे मुजाफ हो गया हो गया। अलामत इसम में से कौन सी अलामत है? ये आगे मुजाफ हो रहा है। फिर सवाल होगा मोरब है या मबनी, तो बताओ मोरब है मबनी है, मोरब है मुजक्कर है मुअन्नस है? मुजक्कर है। वाहिद है तस्निया जमा है? वाहिद है। फिर क्या सवाल होगा? आमिल है या नहीं? बताओ ये आमिल है या नहीं? लफ्ज अब्द वैसे आमिल नहीं है, ये बहसियत मुजाफ अब आमिल है क्योंकि आगे मुजाफ हो रहा है। लफ्ज अब्द आगे, तो ये अब्द क्या हो गया? आमिल है। फिर सवाल होगा ये मामूल है या ताबे? मामूल है या ताबे? तो बताओ ये मामूल है या ताबे? कोई जी इससे पहले कोई आमिल मौजूद है? जब आमिल इससे पहले मौजूद नहीं तो फिर ये मामूल नहीं हो सकता, फिर ये क्या बनेगा? ताबे बनेगा। तो जब ताबे बनेगा तो जाहिर है हमने ताबे की पांच किस्मों में से इसको तलाश करना है, ये कौन सी किस्म बनेगी। तो जिसको हमने मतबू बनाया उसको मिला लें और माँ बाद इसम को मिलाकर सवाल करेंगे, देखेंगे। अच्छा पहले क्या आ रहा है जी? अशेख। क्या आगे आ गया जी? अब्दुल काहिर। क्या आ गया? आप इन दोनों को मिला लें, मिलाकर देखें भाई दरमियान में हरफ अतफ है या नहीं। और भाई देखो ना ये तरकीब जब करेंगे, शेख जो है ये मौसूफ है, इमाम जो है ये सिफत अव्वल है शेख की, अफजल उलमा अल अनाम ये मिल मिला के शेख की सिफत सानी है, यह शेख की सिफत सानी है। तो आगे अब्दुल काहिर ये एक तीसरी चीज आ रही है, इन दोनों का ताल्लुक अशेख के साथ है। तो अशेख और अब्दुल काहिर को मिलाकर हम सवाल करेंगे, अल अनाम को या उलमा को या अफजल को मिलाकर और इसके साथ अब्दुल काहिर को मिलाकर, ऐसा इनके दरमियान में हरफ अतफ नहीं देखेंगे बल्कि अशेख और अब्दुल काहिर इन दोनों को मिलाकर दरमियान में हरफ अतफ देखेंगे है या नहीं। तो देखो दरमियान में हरफ अतफ है नहीं है, तो मातूफ है मातूफ नहीं बना सकते। अच्छा दूसरा इसम भी यही नहीं, पहले जैसा है नहीं है, मुअक्कद और ताकीद लफ्जी भी नहीं बना सकते। अब्दुल काहिर जो है ये नफ्सुन ऐन उन किला किल्ता वगैरह में से है नहीं है, मुअक्कद और ताकीद मानवी भी नहीं बना सकते। अब्दुल काहिर जो है ये सीगा सिफत है नहीं है, मौसूफ और सिफत भी नहीं बना सकते। दूसरा इसम जो है वो पहले से ज्यादा मशहूर है या नहीं? नहीं है। दूसरा इसम ज्यादा मशहूर नहीं है, तो पहले को अपना मुबैन और दूसरे को अतफे बयान नहीं बना सकते। तो अब एक ही रह गई तरकीब, वो क्या है? मुबदल में और बदल वाली, मुबदल में और अगर दूसरे से ज्यादा मशहूर ना हो तो पहले को मुबदल में और दूसरे को बदल बनाते हैं। तो अब्दुल काहिर तवाबे की पांच किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? तीसरी किस्म बदल। बदल की क्या तारीफ है? बदल वो ताबे है, बदल वो ताबे है जो निस्बत से मकसूद के साथ और मतबू को बतौर तमहीद जिक्र किया जाए। अब्दुल काहिर ये क्या बन गया? बदल। कानून मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ अलकाबात आ जाएं और बाद में अलम आ जाए, यानी अलम से पहले नाम से पहले अलकाबात आ जाएं, अलकाबात को मुबदल मिनहु बनाते हैं और नाम को बदल बनाते हैं। अश्शेख, अल इमाम, अफजल उलमा अल अनाम, ये क्या है? इसके लकब है अब्दुल काहिर के, इनको बनाएंगे मुबदल में हो और नाम को बनाएंगे बदल। तो अब्दुल काहिर फिर कौन सी किस्म बनेगी? तीसरी किस्म, तीसरी है ना, बदल। ठीक हो गया, आगे चलें जी। अब्दुल काहिर, अल काहिर। अच्छा फिर सवाल होगा जी इसकी हालत कौन सी है? तो इससे पहले आमिल देखेंगे ना, आमिल तो इससे पहले मौजूद नहीं है, ज़ाहिर तौबे की तरफ जाएंगे, तो तवाबे की चार किस्मों में, पांच किस्मों में से ये क्या बन गया? बदल बन गया। तो जो हालत मुबदल मिन हो की अब वही हालत बदल की होगी। मुबदल मिन हमने बनाया अशेख को, अशेख की हालत कौन सी है? रफी हालत है, तो बदल की हालत कौन सी होगी? इसकी भी रफी हालत होगी। फिर सवाल होगा इसको पढ़ेंगे कैसे, यानी सोलह किस्मों में से कौन सी किस्म वाला इराब आएगा? तो बताओ कौन सी किस्म वाला इराब है? पहली किस्म कौन सी है? सही। अब यह है ये मुफरत भी है, मुनसरफ भी है और सही भी है। चले आगे, अब्दुल काहिर, अल काहिर, जो जितनी भी गुफ्तगू इसम पर होती है वही सारी की सारी अल काहिर पर भी होगी उसी तरह। हाँ ये पूछ लेता हूँ आपसे, अल काहिर इसकी हालत कौन सी? इससे पहले आमिल देखेंगे, जैसा आमिल होगा वैसी। तो बताओ अल काहिर से पहले कोई आमिल है या नहीं? आमिल है, आमिल लफ्ज़ अब जो है ये आगे मुजाफ हो रहा है, तो इसका आमिल कौन हुआ? मुजाफ हुआ। तो मुजाफ मुजाफ इलाह को क्या करता है? जर देता है। तो अल काहिर की हालत कौन सी होगी? जर्री हालत होगी। सोलह किस्मों में से कौन सी किस्म वाला इराब आएगा?
पहली किस्म कौन सी है? मुनसरिफ सही, मुफरद मुनसरिफ सही। पहली किस्म का इराब लफ्जी आता है, तकदीरी लफ्जी आता है, इराब हरकत आता है। इराब हरकत किसे कहते हैं? सिर पेश को कहते हैं। आगे चलते हैं जी, अब्दुल काहिर आगे क्या आ गया? लफ्ज बिन आ गया, इब्न आ गया, क्या आ गया? इसके हवाले से मैंने आपको बताया है लफ्ज इब्न जो है ये जब दो अलमों के दरमियान वाक्य होता है अक्सर तौर पर पहले की सिफत और दूसरे की तरफ हमेशा मुजाफ होता है। क्या होता है? कुरान करीम में आता है वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहाँ पर उज़ैर मुबतदा है, इब्नुल्लाह ये खबर है, यहाँ पर तरकीब मौसूफ सिफत वाली नहीं होगी, इसलिए कहा यह अक्सर तौर पर माँ कबल की सिफत और माँ बाद की तरफ मुजाफ होता है। तो लफ्ज इब्न की हालत कौन सी है? इससे पहले आमिल देखेंगे, इससे पहले आमिल से पहले कोई मौजूद है? आमिल से पहले मौजूद नहीं है, ना आमिल लफ्जी है ना आमिल मानवी है। तो तवाबे की तरफ जाएंगे, तवाबे की पांच किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म कौन सी? पहली किस्म कौन सी है? सिफत। सिफत की फिर दो किस्में हैं, कौन कौन सी? बेहाल ही है, सिफत बेहाल मुतालिक ही है, सिफत बेहाल ही किसे कहते हैं? जो मतबू में पाए जाने वाले पर दलालत करे। अब्दुल काहिर, तो अब्दुल काहिर की कौन सी हालत है? रफ़ी हालत है। तो लफ्ज़ इब्न की भी कौन सी हालत हो जाएगी? रफ़ी हो जाएगी। 16 किस्मों में से कौन सी किस्म वाला इराब आएगा? पहली किस्म वाला इराब आएगा। अच्छा, नौवां सवाल क्या होगा? इस पर तनवीन आएगी या नहीं? तो बताओ लफ्ज़ इब्न पर तनवीन आएगी या नहीं? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मुजाफ है और मुजाफ पर तनवीन नहीं आती। अब्दुर्रहमान क्या? ये इसकी कौन सी हालत है? लफ्ज़ अबद की, इससे पहले आमिल देखेंगे, बकिया सवाल तो वही है ना सारे के सारे। ये इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले तो बताओ अबद से पहले आमिल लफ्जी है, आमिल मानवी, आमिल लफ्जी है, और आमिल लफ्जी अमल क्या करता है? और दूसरा आमिल लफ्जी की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में, हरूफ आमला, अफाल आमला, अस्माए आमला। बताओ लफ्ज अब्द का आमिल जो है हरूफ आमला में से, अफाल आमला में से, अस्माए आमला में से, अस्माए आमला की कितनी किस्में हैं? 11 किस्मों में से कौन सा है? मुजाफ है। मुजाफ क्या अमल करता है? अपने मुजाफ देता है। तो लफ्ज अब्द की हालत कौन सी होगी? जर्री हालत। क्यों है? मुजाफ इला, इसका मुजाफ कौन है? लफ्ज इबन। इबन की कौन सी हालत है? रफ़ी हालत है। कौन सी हालत है? इसकी रफ़ी हालत क्यों है? ये सिफत है किसकी? अब्दुल काहिर की। किसकी? अब्दुल काहिर की कौन सी हालत है? रफ़ी हालत है। इसकी रफ़ी हालत क्यों है? ये बदल है। शाबा, ये क्या है? बदल में कौन है? अशेख। अशेख की कौन सी हालत है? इसकी रफ़ी हालत क्यों है? ये अल्लाफा का फाइल है, अल्लाफा का, और फाइल क्या होता है? मरफू होता है। अब्दुर्रहमान अल जुरजानी, क्या आ गया आगे? अल जुरजानी जी, अल जुरजानी मुफरद है, मुरक्कब मुफरद है, इसम है, फेल है, हरफ इसम है, अलामत इसम में से कौन सी अलामत है? इसमें मनसूब का सी है, ठीक है। फिर क्या सवाल होगा? मोरब है मबनी, बताओ मोरब है मबनी? मोरब है। मुजक्कर है मुअन्नस? मुजक्कर है, क्योंकि तानीस की अलामत में से कोई अलामत इसमें नहीं पाई जा रही। फिर जी वाहिदा तस्निया जमा, वाहिदा क्योंकि तस्निया जमा की अलामत में से कोई अलामत नहीं पाई जा रही। फिर क्या सवाल होगा? आमिल है या नहीं? बताओ अल जुरजानी आमिल है या नहीं? इसका आगे अल जुरजानी का नायब फ़ाइल हुआ ज़मीर, तो ज़ाहिर है ये उसमें अमल कर रहा है, आमिल तो ये है। अच्छा, फिर क्या सवाल होगा? मामूल है या ताबे? बताओ अल जुरजानी मामूल है या ताबे? इससे पहले आमिल है कोई? पहले आमिल को देखा करो, जब ये सवाल हो, इससे पहले आमिल मौजूद नहीं है, ना आमिल लफ्जी है ना आमिल मानवी है। तो जब आमिल इससे पहले नहीं है तो पक्की बात है मामूल नहीं, ये ताबे है, मामूल नहीं ये ताबे। तो ज़ाहिर है ताबे पर तवाबे की पाँच किस्मों में तलाश करना पड़ेगा, पाँच किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी? बताओ पहली किस्म, शाबाश, कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म कौन सी है? सिफत है। क्या है? सिफत। ये बनेगी अब्दुल काहिर की सिफत बनेगी। किसकी सिफत बनेगी? अब्दुल काहिर की सिफत बनेगी अल जुरजानी। तो जो हालत अब्दुल काहिर की है वही हालत अल जुरजानी की है, वही हालत। तो अब्दुल काहिर की कौन सी हालत है? रफ़ी हालत है। अल जुरजानी की कौन सी हालत है? रफ़ी हालत है। अल जुरजानी की रफ़ी हालत क्यों है? ये सिफत है किसकी? अब्दुल काहिर की। तो अब्दुल काहिर की रफ़ी हालत क्यों है? ये बदल है। मुबदल में वो कौन है? अशाख। अशाख की हालत कौन सी है? इसकी रफ़ी हालत क्यों है? ये अल्लाफा का फाइल है, ये अल्लाफा का फाइल है। चलो इतनी थोड़ी सी फैला दिए, तरकीब कर लें।
या मैं आ तो आमिलन, ये भी कर लें तरकीब, मैं आ तो आमिलन। कायदा याद रखना, तेरा इसमें अदद इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं, कितने? तेरा तीन से लेकर दस तक, तीन से दस तक का अदद ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है। मैं आतुन, मैं आताने, अल्फुन, अल्फाने, आलाफुन, ये हैं तेरा इसमें अदद जो इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं। चलो बारा हम करते हैं अब मैं आ पर गुफ्तगू। मैं आ तो आमिलन जी, बकिया बात तो वो सारी की सारी होगी जो इसम पर होती है, ज़ारे इसम आगे मुजाफ हो रहा है, जो मुजाफ होता है वो इसम ही होता है। अच्छा इसकी हालत कौन सी है, इसकी हालत कौन सी? इससे पहले आमिल देखेंगे, जैसा आमिल होगा वैसी हालत होगी। तो आमिल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में, आमिल लफ्जी, आमिल मानवी। तो बताओ इसका आमिल लफ्जी, आमिल मानवी है? आमिल लफ्जी है। कौन है, कोई बता सकता है इसका आमिल? एलम अन्नल अवामिला, एलम तो बाद जरा अन्ना आ रहा है ना, अन्ना, ये है इसका आमिल। ये क्या है इसका आमिल? आमिल। अन्ना क्या अमल करता है? अपने इस्म को नसब और खबर को रफा देता है। तो बताओ मुझे मेआ की हालत फिर कौन सी हो गई? रफी हालत है। रफी हालत क्यों है? ये अन्ना की खबर है, ये अन्ना की खबर है, और अन्ना की खबर क्या होती है? मरफू होती है, और इस्म क्या होता है? मनसूब होता है। और रुफे मुशब्बा बिलफेल अपने इस्म को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। मैं आ तो आमिलन, ये आमिल की कौन सी हालत है? इसकी जर्री हालत क्यों है? बोलो यार, ये मुजाफिला है। इसकी जर्री हालत क्यों है? इसका मुजाफ कौन है? मैं आ तो मैं आ की कौन सी हालत है? रफी हालत क्यों है? ये अन्ना की खबर है। अन्ना का इस्म कौन है? अल अवामिल। क्या है? अल अवामिल। चले भाई अब हम चलते हैं तरकीब की तरफ। ए लम सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ, इसमें अंता जमीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा इसका फाइल। आगे क्या पढ़ेंगे? अन्ना पढ़ेंगे, इन्ना अन्ना पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया इन्ना और अन्ना के मकामात। अल इल्म मस्दर के हर सीगा के बाद अन्ना पढ़ा जाता है, बशर्ते के उसकी खबर पर लामे ताकीद ना हो, उसकी खबर पर लामे ताकीद ना हो। तो इसकी खबर कौन है? मे आ तो आमिलन, इधर लामे ताकीद है नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे? अन्ना पढ़ेंगे, इन्ना नहीं पढ़ेंगे। अब आगे आ जी, अन्ना हर्फ अज हरूफ मुशब्बा बिल फेल अल अवामिला। अब मैंने आपको बताया ना, ये रूफ़े मुशब्बा बिलफेल जो है ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा खबर की आपने क्या तरकीब पढ़ी है? ओ भाई मारफा के बाद नाकिरा आ जाए, मारफा को मुब्तदा बनाते हैं, नाकिरा को खबर बनाते हैं। अल अवामिला ये है मारफा, मैं आ तो आमिल ये है नाकिरा। मारफा तो मारफा को बनाएंगे मुब्तदा, नाकिरा को बनाएंगे खबर। अब अन्ना इस पर दाखिल हो गया, तो जो मुब्तदा था वो अन्ना का इसम, और जो खबर थी वो अन्ना की खबर बन जाएगी। अन्ना अमल क्या करेगा? इसम को नसब दे देगा और खबर को रफा दे देगा। अल अवामिला याद रखना, मैंने आपको कायदा तो ये पढ़ाया है, मारिफा के बाद जार मजरूर आ जाए तो मारिफा को मुब्तदा बनाते हैं, जार मजरूर को खबर बनाते हैं किसी के मुतल्लिक करके। लेकिन यहाँ पर फिन्नावी को हम खबर नहीं बनाएंगे, फिन्नावी को हाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और जार मजरूर जो होता है ना, मारफा के बाद जार मजरूर आ जाए, तरकीब अगर मुब्तदा खबर वाली ना हो सकती हो तो फिर तरकीब जुलहाल हाल वाली होती है। फिर मारफा को जुलहाल बनाते हैं, जार मजरूर को हाल बनाते हैं। इधर तरकीब मुब्तदा खबर वाली नहीं हो सकती, मुब्तदा खबर वाली तरकीब तहत अलमाना, अलमाना तहत तरकीब, तरकीब माना के साथ आती है और माना तरकीब के साथ आता है। जब तर्जमा करते हैं तर्जमा हमें बताता है फिन्नावी को खबर नहीं बना सकते, क्योंकि मुब्तदा खबर मुरक्कबे मुफीद होते हैं, मुरक्कबे मुफीद होते हैं, और मुरक्कबे मुफीद वो होता है बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को फ़ायदा तामा हासिल हो। तो अगर हम फिन्नाव को बना दें खबर तो फ़ायदा तामा हासिल नहीं होता, पता चल गया फिन्नाव खबर नहीं है। अल अवामिला ज़ुलहाल, अल अवामिला फी अरफे जार, अन्नहवी मजरूर, अन्नहवी, ये अन्नहव जो है ये 16 किस्मों में से कौन सी किस्म बनेगी?
दूसरी किस्म। दूसरी किस्म कौन सी है? जारी मजरा सही, यही बड़ी है ना, जारी मजरा सही। फी जारा अन्नहवे मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर। मैंने आपको बताया था जार मजरूर का मुतालक इबारत में मजकूर हो तो जार मजरूर को ज़रफ़े लग़्व कहते हैं, जार मजरूर का मुतालक इबारत में मजकूर ना हो तो जार मजरूर को ज़रफ़े मुस्तकर कहते हैं। जार मजरूर सात चीज़ों में से किसी एक के मुतालक हो सकते हैं, फेल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तब्दील, सिफत मुशब्बा, मस्तर और इसमें मनसूब। फिन नहवी, जार मजरूर से पहले इन सात में से कोई मौजूद है नहीं है, इन सात में से कोई है नहीं है तो पता चला ये ज़र्फ़े लग़्व नहीं हो सकता, ज़र्फ़े मुस्तक़र ही होगा। तो अब यहाँ पर हम इसका मुतअल्लिक़ कोई मौज़ूफ़ निकालेंगे तो कौन उसूल सबूत वजूद में से नहीं निकालेंगे बल्कि मज़कूरा ताना निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फी जा रहा अन्नावे मजरूर, जा रहा अपने मजरूर से मिलकर, ज़र्फ़े मुस्तक़र हुआ मज़कूरा तान का, किसका हुआ? अच्छा मज़कूरा तान, ये हमने मुअन्नस का सीगा निकाला है, मज़कूरा तान। भाई मुज़क्कर का निकाल लें, मज़कूर होना निकाल लें, क्या निकाल लें? ये मुज़क्कर का मुअन्नस का सीगा क्यों निकाला भाई? भाई मुअन्नस का सीगा इसलिए निकाला, मैंने आपको कायदा पढ़ाया है, मुब्तदा की खबर जब क्या हो, मुश्तकी हो, तो मुद्दा और ख़बर के दरमियान मुताबकत का होना ज़रूरी है। और ये तो वैसे हाल बन रहा है ना, फिन्ना भी मज़कूरा तन के मुतालिक होकर, तो जो हाल के अंदर ज़मीर होती है उसका मर्जे कौन होता है? ज़ोल हाल होता है। सिफत के अंदर जो ज़मीर होती है उसका मर्जे मौसूफ होता है। अगर हम यहाँ पर सीगा निकालें मज़कूरन, क्या निकालें? मज़कूरन निकालें तो मज़कूरन का फ़ाइल निकलेगा हुआ ज़मीर, क्या निकलेगा? हुआ ज़मीर। मुज़क्कर किया, मुअन्नस किया, मुज़क्कर किया, वाहिद किया, तस्निया किया, जमा किया, वाहिद किया, क्या है? वाहिद किया। उसका मर्जे बनेगा अवामिल, कौन मर्जे बनेगा? अवामिल जो है ये जमा है, क्या है? और ज़मीर क्या है? वाहिद किया। राज और मर्जे के दौरान मुताबकत हो जाएगी? नहीं। फिर अवामिल जो है ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुज़क्कर है, ज़मीर मुज़क्कर किया, मुअन्नस किया, मुज़क्कर किया, राज और मर्जे के दरमियान मुताबकत हो जाएगी? मुताबकत नहीं होगी, इसलिए हम निकालेंगे मज़कूरा तन। अच्छा मज़कूरा तन निकालें, इतराज़ तो फिर भी हो जाएगा, ज़मीर निकलेगी हिया, मर्जे बनेगा अवामिल, मर्जे बनेगा अवामिल, ज़मीर भी तो वाहिद किया, मर्जे बन रहा है अवामिल, वो जमा है, मुताबकत तो फिर भी पूरी नहीं, मुताबकत तो फिर भी पूरी। हिया ज़मीर जो है ये मुअन्नस की है, ये हिया ज़मीर जो है, और अवामिल जो है ये मुज़क्कर है। मेरा ख्याल पीछे मामला थोड़ा सा उल्ट हुआ है, हुआ ज़मीर जो है जब मज़कूरों से निकलेगी उसका मर्जे बनेगा अवामिल, अवामिल जो है वो जमा है, ज़मीर वाहिद किया, मुताबकत पूरी नहीं होगी, अगरचे अवामिल जो है ये मुज़क्कर है और ज़मीर भी मुज़क्कर किया। थोड़ी सी मेरा ख्याल गलती हुई है। बहरहाल जब हम मज़कूरा ताना निकालेंगे, मज़कूरा तो ज़मीर निकलेगी हिया, ज़मीर निकलेगी हिया, मर्जे बनेगा अवामिल, अवामिल जो है ये जमा है, ज़मीर वाहिद किया, मुताबकत ही नहीं होगी। फिर दूसरे नंबर पे अवामिल जो है ये मुज़क्कर है, तानीस की इसमें अलामत ही नहीं है, और ज़मीर मुअन्नस की है, राजे और मर्जे के दरमियान मुताबकत, तो फिर मज़कूरा तन क्यों निकाला है? मज़कूरन निकालो फिर भी मामला, मज़कूरा तन निकालो फिर भी एतराज़ होता है। तो इसका जवाब यह भाई, मज़कूरन तो निकालेंगे नहीं, मज़कूरा तन निकालेंगे। रही बात मुताबकत की, तो इसका जवाब यह है, अवामिल जो है ये जमा मुकस्सर है, अवामिल जो है ये जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, ज़मीर भी वाहिद की है, मर्जे भी वाहिद, ज़मीर भी मुअन्नस है, मर्जे भी मुअन्नस है। और बात की समझ आ गई, एतराज ख़त्म हो गया। फी जा रहा अन्नावे मजरूर, यार अपने मजरूर से मिलकर, ज़र्फ़े मुस्तक़र हुआ मज़कूरा तन का, मज़कूरा तन का, ये मज़कूरा तन मनसूब क्यों निकाला भाई? मरफू निकाल लो या मजरूर निकाल लो, मनसूब ही क्यों निकाला? तो मज़कूरा तन बनेगा तरकीब में हाल, क्या बनेगा? और हाल हमेशा क्या होता है? मनसूब होता है, हाल हमेशा होता है, इसलिए मज़कूरा तन निकाला, मज़कूरा तन या तन नहीं निकाला। जी आगे चलें, अला जारा, अला मा मौसूला, मा अल्लाफा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मज़ीद फी गैर मुलहक बरुबाई, बे हमज़ा वसला या बा हमज़ा वसला? बे हमज़ा वसल, महमूज़ुल्फ़ा अज़बाब तफ़ईल, सुलासी मज़ीद फी है, महमूज़ुल्फ़ा है, अज़बाब तफ़ईल है, महमूज़ुल्फ़ा तफ़ईल है। जी आगे चलें, हु ज़मीर, ये जो ज़मीर इसके साथ खड़ी है ये कौन सी है? ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफ़ूले बिही, मफ़ूले राजे बसुए, बोलो
ज़मीर कौन सी है? मनसूब मुत्तसिल। राजे बसुए मा, राजे बसुए मा, और अल्लाह फसे पहले जो मा मौसूला मौजूद है, आपने पढ़ा मौसूल का सिला जुमला होता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है फेलिया भी हो सकता है, जुमला इस्मिया हो या जुमला फेलिया हो उसमें ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूल की तरफ लौटे। तो ज़ाहिर है माँ की तरफ ज़मीर तो कोई ना कोई लौटानी है, तो ये जो मफ़ूले भी की ज़मीर है ये माँ की तरफ लौट रही है, और ये ज़मीर कौन सी है? मनसूब मुत्तसिल। और मनसूब मुत्तसिल कितनी जगहों पर आती है? दो जगहों पर। मजरूर मुत्तसिल भी दो जगहों पर, मनसूब मुत्तसिल भी दो जगहों पर। जो ज़मीर हुरूफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ आएगी वो भी मनसूब मुत्तसिल होगी, और जो फ़ेल के बाद आएगी वो भी। तो यही दो मकाम है, हुरूफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ आती है और फ़ेल के साथ, ये जो फ़ेल के बाद आती है ये भी ज़मीर मनसूब मुत्तसिल होती है। तीसरी जगह आपको मनसूब मुत्तसिल ज़मीर नज़र नहीं आएगी कि अल्लाह पा हू ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफ़ूले भी राजे बसुए माँ अश्शाखु मौसूफ। अश्शाखु मौसूफ अल इमामु सिफ़ते अव्वल अफजालु मुजाफ। अफजालु सीगा वाहिद मुजक्कर इसमें तफजील, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा, इसका फायर राजे बसुए मौसूफ। जो ज़मीर सिफत के अंदर होती है उसका मरजे मौसूफ होता है। उलामाई मुजाफ इला मुजाफ अल अनामी मुजाफ इला उलामाई मुजाफ अपने मुजाफ इला से मिलकर मुजाफ इला हुआ अफजालु मुजाफ का। अफजालु मुजाफ अपने मुजाफ इला और हुआ ज़मीर फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर सिफत सानी। अश्शाख की सिफत मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर मुबदल मिन हो। मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर मुबदल मिन हो। अब्दु मुजाफ अल काहिरी मुजाफ इला अब्दु मुजाफ अपने मुजाफ इला से मिलकर मौसूफ क्या बन गया? मौसूफ। इबन का कायदा यही पढ़ा ना आपने, ये माँ कबल की सिफत और माँ बाद की तरफ मुजाफ होता है। जी लफ्ज़ जो इबना ये क्या है? मुजाफ। क्या है? अब्दी मुजाफ इला मुजाफ अर रहमान मुजाफ इला अब्दी मुजाफ अपने मुजाफ इला से मिलकर मुजाफ इला हुआ इबन मुजाफ का। इबन मुजाफ अपने मुजाफ इला से मिलकर सिफत अब्दुल काहिर की सिफत। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मौसूफ अपनी सिफत से या अल जुर्जानी ये साथ बना लो सिफत इसकी। इब्न मुजाफ अपने मुजाफ इला से मिलकर सिफत अव्वल अल जुर्जानी अल जुर्जानी जुर्जानी सीगा वाहिद मुजक्कर इसमें मनसूब। वाहिद मुजक्कर इसमें वज़्मीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा इसका नायफा राजे बसुए मौसूफ। सीगा इसमें मनसूब अपने वज़्मीर नायफा से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर सिफत सानी। मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर बदल। क्या हो गया? मुबदल मिन हो कौन था? शेख। मुबदल मिन हो अपने बदल से मिलकर फाइल अल्लाफा फेल अपने फाइल मफ़ूले बिही से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर सिला। मौसूल अपने सिला से मिलकर मजरूर जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े लगव हुआ मज़कूरा तन का। मैंने आपको पहले बताया था जब एक जार मजरूर का मुतालक माजूफ निकाल लेते हैं उसके बाद दूसरा जार मजरूर आ जाए तो वो ज़र्फ़े मुस्तकर नहीं होगा, वो ज़र्फ़े लगव होगा। पहला जो मुतालक हमने निकाला वो उसके लिए मौजूद की तरह है। तो ज़र्फ़े लग हुआ मज़कूरा तन का, मज़कूरा तन सीगा वाहिद मुअन्नस इसमें मफ़ऊल, सीगा वाहिद मुअन्नस इसमें मफ़ऊल, इसमें हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा इसका नायब फ़ाइल राजे बसुए ज़ुलहाल। राजे बसुए ज़ुलहाल अवामिल को ज़ुलहाल बनाया ना हमने, राजे बसुए ज़ुलहाल। सीगा इसमें मफ़ऊल अपने हिया ज़मीर फ़ाइल ज़र्फ़े मुस्तकर अफ़िन्ना भी ज़र्फ़े मुस्तकर सी ज़र्फ़े मुस्तकर और ज़र्फ़े लग से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर अन्ना का इसम, अन्ना का में आ तो क्या है? में आ तो मुमय्यद मुजाफ आमिलन तमयीज़ मुजाफ इला। में आ तो मुमय्यद मुजाफ आमिलन मुमय्यद मुजाफ अपनी तमयीज़ मुजाफ इला से मिलकर अन्ना की खबर, अन्ना की खबर, अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बितावीले मुफरद होकर, बितावीले मुफरद होकर मफ़ूले भी हुआ एलम फेल का, मफ़ूले भी हुआ एलम फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले भी से मिलकर जुमला फेलिया इनशाया हुआ। जुमला फेलिया इनशाया हुआ। अमर की कितनी किस्में हैं? 13 किस्में पड़ी हैं ना आपने। जुमला इनशाया की कितनी किस्में हैं? 13 किस्में पड़ी हैं। अमर नह इस्तिफाम तमन्नी तरजी उकूद निदा अर्ज कसम ताज्जुम मदा अज़म दुआ वगैरह पढ़ी है कि नहीं? उनमें से अमर आ गया। ये जुमला फेलिया खबरिया नहीं, ये जुमला फेलिया इंशाया है। इल्म बमाना दा निस्तन हो,
इल्म बमाना दानिस्तन हो। और भाई एतराज ये है, ए इल्म जो है ये मुतादी बदो मफूल है और ये दो मफूलों का तकाजा करता है। इधर तो इसका एक मफूल है अन्नल अवामिला, ये मेरे मिला के बितावील मुफरद होकर मफूले भी ही है ए इल्म का, तो ये तो एक मफूले भी ही है, दूसरा मफूले भी इसका किधर गया? हालांकि ये तो अफाले कुलूब में से है और अफाले कुलूब जो है ये दो मफूलों का तकाजा करते, इधर तो एक है। तो याद रखना इल्म बमाना दानिस्तन हो, बमाना दानिस्तन का माना होता है जानना, तो ये एक मफूल का तकाजा करता है और इल्म बमाना यकीन हो तो फिर ये दो मफूलों का तकाजा करता है। फिर बाद दफा, फिर वो दो मफ़ऊल अलग अलग होते हैं, जैसे अलिम तु ज़ैदन फाज़िलन, ज़ैदन मफ़ऊल भी अव्वल है और फाज़िलन मफ़ऊल भी, दोनों मफ़ऊल अलग अलग हैं। और बाद मर्तबा एक ही जुमला दो के कायम मकाम होता है, कितने के दो के कायम मकाम होता है, और ये अक्सर उस वक्त होता है और ये अक्सर जब इल्म के बाद अन्ना हो, जब इल्म के बाद जैसे अलम तो अन्ना ज़ैदन, अलम तो ज़ैदन फाज़िलन, इधर भी अन्ना ज़ैदन फाज़िलन जो है ये अन्ना का इस्म और खबर बनकर अलिमतु का मफ़ूले भी ही है, ये दो के कायम मकाम है। और यही मामला इधर है इबारत के अंदर एलम अन्नल अवामिला फिन्नहवी अलामा अल्लफ़ा शेखुल इमाम अफ़ज़ल उलमा अल अनाम अब्दुल क़ाहिर इब्न अब्दुल रहमान अल जुर्जानी आगे में आतो आमिलिन, यही मामला भी ऐनी ही इधर है, अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर मुफ़रद की तावील में होकर ये एलम का मफ़ूल भी ही है और ये दो के कायम मकाम है, और ये दो के कायम मकाम है।